हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सेंस लैडर में। दोस्तों, एक ऐसी दुखद न्यूज है जिससे पूरा भारत सदमे में है, क्योंकि एक छोटा सा बच्चा, दलित बच्चा, जिसकी मौत हो गई है, और उसकी मौत हुई है उसका रीजन क्या है? एक प्रधानाध्यापक ने उसकी पिटाई की और उसकी मौत हो गई। और क्यों पिटाई की, अगर इसे आप जानोगे तो आपको शायद ही शर्मिंदगी महसूस होगी कि एक छोटा सा बच्चा को जब पानी प्यास लगता है तो वो प्रिंसिपल के पानी पीने वाले पानी से घड़ा से पानी पीता है, तो प्रिंसिपल को जानकारी मिलती है कि वो बच्चा इस घड़ा से पानी पिया है, तो उसके बाद उसकी पिटाई कर देते हैं और वो बच्चा काफी बच्चा को चोट पहुंचता है और वो बच्चा को हॉस्पिटलाइज हो जाता है, और उसके 23 दिन बाद उसकी मार की वजह से बच्चा का देहांत हो जाता है, बच्चा मर जाता है। तो क्यों उसको मारा, ये प्रिंसिपल से सवाल उठता है। कोई बच्चा अगर पानी पिए और उसकी सजा मौत हो तो हर एक दिन ऐसी मौतें होंगी, क्योंकि पानी पीने से अगर किसी को मार रहे हो तो पानी तो बहुत कोई पीता है। ये एक समाज का, ये एक देश का और एक पूरी कम्युनिटी का ये बहुत ही शर्मिंदगी वाला काम है। इस तरह की घटनाएं आए दिन में आपको मिलती रहती है, लेकिन अभी लेटेस्ट घटना है और उस बच्चे की मौत होना एक बहुत दुखदायी चीज है। और किसकी मार से, जो शिक्षक जो बच्चे को बनाता है, बच्चा देश का फ्यूचर होता है, अगर वो दलित बच्चा है पानी पी गया तो आप उसे मार देते हैं और बच्चा मर जाता है। 23 दिन तक उसका इलाज चलता है। क्यों इलाज चला, क्योंकि उस शिक्षक ने उसको दम भर मारा और ऐसे ऐसे जगह में मारा होगा ताकि उसको चोट काफी आई होगी और वो छोटा सा बच्चा सहन नहीं कर पाया। तो ये शिक्षक का क्या सजा होना चाहिए? और क्योंकि मीडिया ज्यादा कवरेज इसे नहीं कर रही है, क्योंकि मीडिया को इसे कवरेज करना चाहिए। ये राजस्थान की कांड है और वहां की गवर्नमेंट को भी इस पर सख्त एक्शन लेना चाहिए। और अगर जांच में सही शिक्षक अगर मिलता है, अगर डेफिनेटली उन्होंने उसकी पिटाई बहुत ज्यादा की है और उससे उसकी मौत हुई है, तो ये टीचर की क्या सजा होना चाहिए? ये टीचर का सजाए मौत होना चाहिए, क्योंकि एक टीचर की पिटाई से बच्चा मरता है और वो बच्चा की वो दलित है और दलित होने की वजह से उसको मारा गया है और बच्चा मर रहा है, तो उस शिक्षक को माफ कभी नहीं करना चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, उसका सजा एक ही है कि आप उसे मौत की सजा दीजिए, क्योंकि छोटा सा बच्चा को आप जान से कैसे मार सकते हो अगर वो पानी पीता है तो। ठीक है, आज 75 इंडिपेंडेंस डे है, 75वां साल है आजादी की, 75वां साल, और उसमें भी आज भेदभाव अगर आपको देखने को मिल रहा है तो यह बहुत ही शर्मिंदगी की बात है भारत देश में। और हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि 25 साल में भारत डेवलप कंट्री में शामिल हो जाएगा, तो डेवलप कंट्री में ये कहां से आता है कि एक दलित बच्चा को पानी पीने से उसको मौत की घाट उतार दिया जाए? वैसे तो हम 25 साल में डेवलप क्या होंगे, 25 साल में और पीछे चले जाएंगे। ऐसी न्यूज आपको बहुत रेयर केस में मिलती है और सब कंट्री में, और यहां मिल रहा है। तो ये सब जो एक पायरिटी है, एक समाज के अंदर में डिस्पायरिटी है, लोगों के बीच में डिफरेंस है कि आप मेरा ये चीज इस्तेमाल मत करो, वो चीज इस्तेमाल मत करो, आप मेरे साथ उठ नहीं सकते हो, बैठ नहीं सकते हो, आज छोटे कम्युनिटी से हो, ये क्या चीज है? ये एक समाज का द्वेष है, इविल है, इसे समाज को पीछे पहुंचाता है, देश को पीछे पहुंचाता है, एक स्टेट को पीछे पहुंचाता है, और एक आदमी की विचारधारा को तो कमजोर करता ही, बस आपका माइंड को भी ये कमजोर कर देता है। आप सोचिए उसके घर वाले को क्या बीत रही होगी जब एक छोटा सा खेलने वाला बच्चा पानी पीने की वजह से
मौत के घाट उतार दिया जाता है। अभी भारत देश में कितने न्यू प्लान, बहुत सारी योजनाएं चल रही है, बहुत सारे बच्चे यहां पर पढ़ रहे हैं, बहुत सारे यहां पर देखिए यहां पर बहुत सारे रोजगार के साधन अभी फ्यूचर में आएंगे और उस देश में इस तरह की घटनाएं होंगी तो ये एक ग्लोबल इमेज खराब होता है हमारा। एक देश के नाम से इसे देखा जाता है, अगर इस तरह की घटनाएं अगर हो रही हैं कि पानी पीने की वजह से किसी बच्चे की मौत और इस शिक्षक के हाथों से, ये बहुत ही शर्मिंदगी और दुखदाई न्यूज है। तो इसे सभी को, जो भी मेरे वीडियो को अगर देखते हैं, तो सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस पे वीडियो बनाएं और इस वीडियो को वायरल करने की कोशिश करें, वायरल कीजिए इस वीडियो को और उस टीचर को सख्त से सख्त सजा दिया जाए। अब देखिए उस टीचर का अगर ये सही पाया जाता है कि उसकी मार की वजह से उसकी मौत हुई इस बच्चे की, तो टीचर का सबसे बेस्ट सजा होगा टीचर शुड बी हैंग, और कोई सजा नहीं, फास्ट ट्रैक कोर्ट से उसे सजा देना चाहिए, मौत के अलावा कोई भी सजा नहीं है। क्योंकि आप कैसे बच्चा को मार सकते हो, पानी पी रहा है तो आप मार दोगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, क्यों मार रहे हो, आपको शिक्षक है, आप शिक्षक बने, ओ प्रधानाध्यापक, आपको इतना बड़ा पोस्ट है। एक टीचर का रोल क्या होता है ना, अगर आप पेरेंट्स के बाद अगर जिसका भी रोल होता है वो टीचर का रोल होता है और आप बच्चे को मार रहे हो, राजस्थान सरकार को सख्त से सख्त इस पे कदम लेना चाहिए और उस टीचर को कोई उसमें रहमी नहीं बरतना चाहिए, जल्द से जल्द ये कार्रवाई करे और भारत सरकार को भी इसे संज्ञान लेना चाहिए और उस शिक्षक को ऐसी सजा दे आने वाले 100 साल 200 साल में भी याद रखा जाए कि किसी बच्चे को इस तरह से कभी भी कोई टीचर चोट ना पहुंचाए और बच्चे की मौत हो जाए। और खास करके अगर उस टीचर ने उसको मारा है दलित समझ के, तो ये और शर्मिंदगी वाली बात है, तो उस आदमी को रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। तो आप इस वीडियो को वायरल कीजिए और जो भी अपना YouTube चैनल चलाते हैं इस इशू पे बात कीजिए ताकि उस टीचर को सजा मिले और जितने भी ऐसे टीचर हैं उनको ये एक सीख मिले कि बच्चे को नहीं मारो। और खास करके तो पानी पीना, प्यास लगा होगा बच्चा को, पानी कोई जो शौक से पीता नहीं है, पानी कितना पिएगा कि जो पानी चोरी करके पीने वाली चीज है, हो ही नहीं सकता। अगर कहीं पे खाना बना हुआ है, पैसा है या कुछ चोरी कर रहा है, वो अलग से चीज है और उसमें भी जान से आप नहीं मार सकते हो, लेकिन पानी बच्चा को प्यास लगा होगा, वो बच्चा इसलिए पिया पानी को, आप उसे इतना मार दे रहे हो कि वो जान से मर जाए, बहुत ही सैड न्यूज है। राजस्थान सरकार को इसमें एक्शन लेना चाहिए और इसका मुआवजा तो देना ही चाहिए, साथ साथ उस आदमी को कभी नहीं छोड़ना चाहिए जिसने ये कांड किया है, शुड बी हैंग्ड। और आप भी इस पे यही निर्णय रखिए, यही डिसीजन लीजिए, यही एक बात रहिए, सब मिलके कीजिए, द पर्सन हु इज गिल्टी ऑफ दिस शुड बी हैंग्ड। चलिए ये वीडियो अगर आपको पसंद लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस वीडियो को वायरल करने में हेल्प कीजिए। थैंक यू।